हूं आपके साथ कमर। इससे पहले मैं स्पेशल रिपोर्ट की शुरुआत करूं, एक बड़ी खबर छात्रों से जुड़ी हुई। आरएएस प्रीलिम्स 2021 के नतीजे जारी कर दिए गए। आरपीएससी ने रिजल्ट जारी कर दिया है। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर रिजल्ट देख सकते हैं। और आपको बता दें 27 अक्टूबर 2021 को प्रीलिम्स की परीक्षा हुई थी और नतीजे भी जारी कर दिए गए हैं। आरएएस प्रीलिम्स 2021 के नतीजे जारी हो चुके हैं और जो लोग हैं जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था, जिन्होंने प्रीलिम्स दिया था, वो वेबसाइट पर जाकर अपने नतीजे देख सकते हैं। और इसके बाद आपको मेंस की तैयारी करनी है, उसके बाद आपको इंटरव्यू देना है। तो कुल मिलाकर आरएएस प्रीलिम्स 2021 के नतीजे आरपीएससी ने जारी कर दिए हैं, इस वक्त की बड़ी खबर। और हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ मनवीर सिंह जुड़े हैं। मनवीर, बहुत जल्दी नतीजे आ गए हैं, बताइए कैसे हैं नतीजे? देखिए कमरुद्दीन, जिस तरीके से राजस्थान लोक सेवा आयोग ने इस परीक्षा के तुरंत बाद इस बात की जानकारी सार्वजनिक कर दी थी कि इसका जो परिणाम है वो बहुत जल्द जारी किया जाएगा जी। और ये माना जा रहा था कि नवंबर के अंतिम सप्ताह के अंदर इस परिणाम को जारी कर दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले इस परिणाम को जारी किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये जो परीक्षा आयोजित की गई थी इसमें लगभग 3,20,000 जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने इस परीक्षा को दिया था। 988 पदों के लिए इस परीक्षा का आयोजन किया गया था। हर जी 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 मनवीर, तो तकनीकी कारणों से मनवीर की हमारी आवाज नहीं आ रही, लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं, पहले से ही कहा गया था कि इसके नतीजे बहुत जल्द आ जाएंगे और वाकई नतीजे बेहद कहेंगे कि एक महीने के अंदर ही नतीजे जारी कर दिए गए हैं। और ये बहुत अच्छी बात है छात्रों के लिए, क्योंकि जो जिन्होंने प्रीलिम्स में भाग लिया था उन्होंने लगातार इसका इंतज़ार भी किया था और प्रीलिम्स के आधार पर ही मेंस की परीक्षा भी लिखी जाएगी, तो जाहिर सी बात है इसका इंतज़ार लाजमी था, स्वाभाविक था। और प्रीलिम्स 2021 आरएएस की जो परीक्षा है सिविल सेवा के आसपास कहेंगे उसी के तर्ज पर भी ये परीक्षा होती है, उतनी ही कठिन परीक्षा है। प्रीलिम्स के नतीजे आरपीएससी ने जारी कर दिए।